नमस्कार दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ की व्रत कथा सुनाएंगे। एक साहूकार के साथ बेटे और एक बेटी थी। सेठानी समेत उसके सभी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। साहूकार के लड़के अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। जब वे भोजन करने लगे, उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर उनकी बहन ने जवाब दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद निकलने पर उसे अर्घ देकर ही मैं भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने नगर के बाहर जाकर एक पहाड़ी पर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए अपनी बहन से बोले, मैं चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभी बोली, माई सा यह तो आपके लिए निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। वह भूख से व्याकुल भी थी, वह चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला घास खाया, उसे छींक आ गई। दूसरा घास खाते ही उसमें बाल निकल आया और तीसरा घास अभी खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया, पति बीमार है और जिस भी हालत में हो तुरंत ससुराल पहुँचे। उसे विदा करने के लिए माँ ने जब बक्से से कपड़े निकाले तो काले कपड़े मिले, दूसरी बार सभी कपड़े सफेद मिले। बेटी बोली, तुम रहने दो मैं चली जाती हूँ। माँ घबरा कर बेटी से बोली, बेटी रास्ते में जो भी छोटा बड़ा कोई भी मिले सबके पैर छूते हुए जाना और जो भी पूर्ण सुहाग का आशीर्वाद दे तो वही अपनी पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है, और वह ससुराल चली गई। रास्ते में उसे जो भी मिला वह सबके पैर छूती गई। सबने सुखी रहो पीहर का सुख देखो का आशीर्वाद दिया। ऐसे वह अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजे पर छोटी ननद खेल रही थी। जब उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो और पूर्ण सुहागन हो। यह सुनते ही उसने अपनी पल्ले में गांठ मान ली और घर में अंदर गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा हुआ जमीन पर लेटा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वह बहुत रोई और चिल्लाई। जैसे ही उसे ले जाने लगी वह बोली, उन्हें ले जाने नहीं दूंगी। फिर भी कोई नहीं माना तो बोली, मैं भी साथ जाऊंगी, और नहीं मानी। फिर सब बोले, ले चलो साथ में। जब पति को जलाने का समय आया तो वह बोली, मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी। तो सभी बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन वह नहीं मानी। गांव के और परिवार के सभी बड़े लोगों ने यह निर्णय लिया, इसे यही रहने दो और इसके लिए एक झोपड़ी बनवा दो। वह वहाँ अपने पति को लेकर रहने लगी। वह पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी ननद दिन में दो बार आकर उसे खाना दे जाया करती थी। वह हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती, चौथ माता का पूजन करती। जब चौथ माता आती तो कहती, करवो ले करवो ले, भाइयों की प्यारी बहन करवो ले, घड़ी बुखारी करवो ले। वह चौथ माता से वे अपने पति के प्राण मांगती। चौथ माता कहती, जब हमसे बड़ी चौथ आएगी तो उससे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसा करते करते सभी चौथ और सभी ये कहकर चली गई। अश्विन की चौथ बोली, तुझसे कार्तिक की करवा चौथ माता नाराज है, वही तेरा सुहाग लौटाएगी, जब वे आए तो उनके पैर मत छोड़ना। करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से श्रृंगार का पूरा सामान मंगवा लिया और करवे भी मंगवाए। सास ने सोचा, पागल हो गई है, जो मांगती है ले आओ। उसने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद निकलने पर अर्घ दिया, चौथ माता की जोत देखी। जब चौथ माता प्रकट हुई तो चौथ माता बोली, करवो ले करवो ले, सात भाइयों की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवो ले, घड़ी बुखारी करवो ले। तब उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस कर दो। चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, सात भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम। वह बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तभी छोड़ूंगी जब आप मेरा सुहाग वापस कर दोगी। चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा
तो उसने एक एक करके 16 श्रृंगार का सामान माता को दे दिया। माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली और वांग से सिंदूर निकाला और चिटकी उंगली का छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। जब छोटी ननद अगले दिन खाना लेकर आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह तो महल खड़ा है। वह ननद को देखते ही दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, देखो भाई साहब, आपका भाई वापस आ गया। घर जाओ और सासू जी को कहो गाजी बाजी के साथ हमें लेने आए। ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास जाकर बोली, माँ भाई जिंदा हो गया। माँ बोली, उस भाभी के साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। बेटी बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, भाई सच में जिंदा है। सभी गाजी बाजी के साथ अपनी बेटी को लेने पहुँचे। बेटा जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। देखो माँ, आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, मैंने तो साल भर पहले ही अपने घर से भेज दिया था, वह तो तू ही थी जो इसे वापस लेकर आई है। इस तरह चौथ माता की कृपा से साहूकार की बेटी ने अपने सुहाग को वापस पाया। हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी के साथ पहले किया, वैसा किसी के साथ मत करना। और बाद में जैसे आपने उसे सुहाग दिया, वैसा सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो चौथ माता की जय हो।